फिर आप कहोगे कपड़े गंदे निकलने, ये देखो देखो कितनी गंदगी है, ये देखो है ना गंदगी, आप देख के चौंक गए ना, इतनी ज्यादा गंदगी, पता नहीं कब से मशीन धुली नहीं की, सर्विस नहीं नट करी होता की। है, नट खोलने का प्रोसेस ये होता है, आपको एक हाथ से पल्सिटर को पकड़ना होता है, दूसरे हाथ से इस नट को, ये देखो खुल गया ना, कैसे सर्विस करना है घर वाले भी और कर इसकी सकते हैं। जब कितना भी पानी डालते हैं, देखो ना फंसा हुआ था ना कचरा, इस चीज को साफ करने के लिए अब आप क्या करो, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है, देखो ये कीचड़ निकल रहा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग, मैं हूँ फिरोज, वेलकम टू फिरोज इलेक्ट्रिकल। इस वीडियो में एलजी का ये वॉशिंग मशीन है, इसकी सर्विस करके दिखाऊंगा। गंदगी तो इतनी ज्यादा है कुछ कह नहीं सकते। देखिए ये फिल्टर है, और ये वीडियो देखने के बाद में वो भाई भी सर्विस कर सकते हैं, वो लेडीज जो हमारी वीडियो देखती है या घर पे हाउस वाइफ भी सर्विस कर सकती है आसानी से। मतलब आपको वॉशिंग मशीन वाले को, रिपेयरिंग वाले को बुलाने की जरूरत नहीं है। वीडियो ऐसी बनाइए, देखने के बाद में आप खुद वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग कर पाओगे। देखिए ये यहीं पर यूज होती है, यहीं पर एकदम लाइव दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि देखने वाले को एकदम सही तरीके से समझ आ जाए। ये देखिए सबसे पहले अगर आपकी कोई भी मशीन, किसी भी कंपनी की क्यों ना हो, एलजी, सैमसंग, वर्लपूल, गोदरेज, वीडियोकॉन, हायर, कोई सी भी मशीन क्यों ना हो, अगर उसमें फिल्टर लगे हुए हैं ये वाले, तो सबसे पहले आपको फिल्टर निकालना है। सर्विस का मेन प्रोसेस फिल्टर होता है और पल्सिटर को खोलना होता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये फिल्टर निकालना है। फिल्टर ये लॉक के जरिए लगे होते हैं, ये देखिए इस तरीके से पेचकस फंसाओगे, हर में लॉक, सभी कंपनी में लॉक के जरिए लगे होते हैं, और आपको हर 6 महीने पे या फिर 4 महीने पे सर्विस करनी चाहिए अपनी मशीन की। देखो इसमें कितनी गंदगी है, मैं आपको ऐसे तो बता ही नहीं सकता, ये गंदगी तो इसमें कूट कूट के भरी हुई है, देखो गंदगी ना, और ये पूरा इसके अंदर गंदगी भरी हुई है। आपको गंदगी दिखाता हूँ, कितनी ज्यादा गंदगी है इसके अंदर। ये मशीनों की अगर आप सर्विस नहीं करोगे तो यही हाल होगा, फिर आप कहोगे कपड़े गंदे निकलने, ये देखो देखो कितनी गंदगी है, ये देखो है ना गंदगी, आप देख के चौंक गए ना, इतनी ज्यादा गंदगी, पता नहीं कब से मशीन धुली नहीं की, सर्विस नहीं करी गई, ये मशीन लोग पता नहीं कैसे यूज करते हैं, और कितना चार्ज अगर टेक्नीशियन आएगा तो। फिर ये देखो फिल्टर पूरा बंद हो गया, एकदम ब्लॉक है फिल्टर, जरा सा भी नहीं खुला हुआ है। तो ये चीजें होती हैं, ये पूरा फिल्टर ब्लॉक हो चुका है, तो आपके कपड़े कहाँ से साफ होंगे जब मशीन की हालात ऐसे होंगे। सेम यही चीज इधर वाले फिल्टर में होती है, इधर वाला फिल्टर दिखाना थोड़ा सा, ये इस साइड में लगा हुआ है फिल्टर, ये भी फिल्टर हमने निकाल दिया है। कैसे कैसे सर्विस करना है आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लॉक होते हैं आसानी से निकल जाते हैं, पल्सिटर खोलने का तरीका क्या है आप आइए आपको बताते हैं। देखिए ये मेन मेन प्रोसेस यही है पल्सिटर का, इसकी सफाई करनी होती है आपको सर्विस में। इसे खोलने के लिए यहाँ पर देखिए, नीचे से दिखाना थोड़ा सा, पास से दिखाओ सही से, ये देखो ये वाला हिस्सा जो है, ये इसको आप ऐसे करोगे, ओहो इसने तो बहुत अच्छे से स्वागत करा है, और ये देखो एकदम मतलब कुछ गंदगी नहीं है इस मशीन में, तो एकदम साफ सुथरी लग रही भैया, ऐसे पता नहीं लोग कैसे यूज करते हैं ऐसी मशीन है। इसके अंदर एक नट होता है, नट खोलने का प्रोसेस ये होता है, आपको एक हाथ से पल्सिटर को पकड़ना होता है, दूसरे हाथ से इस नट को, ये देखो खुल गया ना, कैसे सर्विस करना है घर वाले भी और कर इसकी सकते नस हैं। नस से गंदगी निकलेगी, हालत देखो कितनी गंदी मशीन है, ये देखो ये सारा कीचड़ भरा हुआ है इसके अंदर, सारी मिट्टी भरी हुई है। इसमें तो कम है भैया, मैंने करी है तो पूरा पूरा बंद रहता है, इतना ज्यादा गंदगी रहती है। तो सबसे पहले आपको आइए इसको हटा देता हूं मैं, ये सब अभी हम क्लीन करेंगे। देखो गंदगी, अब देखो कितनी ज्यादा गंदगी है इसके अंदर, इसको हटाता हूं मैं, और ये देखो यहाँ पर कपड़े के टुकड़े वगैरह फंसे हुए कितने सारे, ये देखो कैसे कैसे, ये देखो ये सब सब आपको साफ करना है, ये पूरा, ये पूरी गंदगी आप देखो, गंदगी कितनी ज्यादा गंदगी, सारी क्लीन करनी होती है आपको। और इसका ड्रेन का भी सिस्टम अभी बताऊंगा, बैक साइड से कैसे करना है, देखो। और उसके इसकी सफाई के लिए पहले एक बार आप पानी से इसे वॉश करो, उसके बाद में इसमें हार्पिक डाल दो, उसके बाद में वॉश करोगे एकदम टच क्लीन हो जाएगा हार्पिक डालने के बाद में। तेजाब का एसिड का यूज बिल्कुल नहीं करना है, बहुत सारे भाई सोचते तेजाब डाल दो, तेजाब पता है क्या काम करता है दोस्तों, आपका ये जो गेयर बॉक्स है इसकी सील को काट देता है, थोड़े दिन के बाद में उसमें तेजाब बैठ जाएगा, धीरे धीरे वो गैस्केट कट जाएगी, रबड़ कट जाएगी, फिर आपकी मशीन में दिक्कत होगी, गेयर बॉक्स में पानी लीक हो जाएगा और गेयर बॉक्स आपका खराब हो जाएगा। तो आपको एसिड से क्लीन नहीं करना है, हार्पिक का यूज करो या किसी और ऐसे क्लीनर का यूज करो जो बहुत ही ज्यादा हार्ड ना हो। और आपको डायरेक्टली पाइप से सर्विस करके दिखाएंगे, हमारे पास में ड्रेन पाइप है, बहुत सारे हर घर में ही होता है जहां पर मशीनों की ये पाइप होगा, तो इसी पाइप के जरिए ही सर्विस करके दिखाएंगे, और ये सब कुछ एकदम क्लीन करके दिखाएंगे। आप जैसी मशीन से सर्विस होती सेम टू सेम वैसी तो नहीं हो पाएगी इससे, लेकिन ऐसी होगी कि आप घर पे आसानी से कर सकते हो और अपनी मशीन को एकदम क्लीन रख सकते हो। तो सबसे पहले क्या काम करना है, इस वाले पाइप को जो है यहाँ पर अपने जो भी आपका वॉल का कनेक्टर है वहां पर लगा लेना है,
ये देखो हमने लगा दिया है। और दूसरी चीज ये फिल्टर वगैरह जो है इन पे पानी डाल के आपको रख देना है, ये धीरे धीरे फूल जाएंगे उसके बाद में इसका यूज होगा, मतलब बाद में क्लीन हो पाएंगे, ऐसे नहीं हो पाएंगे। और पानी आ चुका है, अब आपको ऐसे क्लीन करना है। देखो थोड़ा प्रेशर होना चाहिए आपके घर में, जैसे मैं आपको प्रेशर से दिखा रहा हूँ करके। ये देखो भैया अभी ड्रेन के पाइप से देखना कितनी गंदगी निकलने वाली है। ये देखो दिखाना इधर से, देखो कितना काला पानी निकल रहा है ना, कितनी ज्यादा गंदगी है। अभी शायद ड्रेन में भर भी जाए पानी तो धीरे धीरे निकलेगा ये सारा पानी। पाइप का कनेक्शन यहाँ से हटा दो ताकि सही से गंदगी निकल जाए, पाइप में फंसे ना। ये देखो पीछे का हिस्सा भी ये वाला आपको नहीं खोलना है, थोड़ी देर के बाद में खोलना है। और इसमें गंदगी देखो कितनी ज्यादा है। और ये अब आप हाथ से इस तरीके से आपको साफ करना है, कोई ब्रश हो तो ब्रश से साफ करो ताकि ये हिस्सा एकदम क्लीन हो जाए। अभी मैंने इसको रोक दिया, या फिल्टर वगैरह जितने हैं इसमें आपको इसे गीला करके रख देना है सुखाने के लिए, धीरे धीरे कि इसमें पानी जाए और ये सूखे सिस्टम। इतनी ज्यादा मिट्टी आप देख सकते हो, पूरा फिल्टर बंद है। और ये देखो किस तरीके से ये मिट्टी भरी हुई, आप देखिए ये देखिए मिट्टी भरी हुई ना किस तरीके से। तो ये पूरा आपको क्लीन करना है, सब कुछ इसी में मैंने डाल दिया है। एक बार ब्रश से रगड़ना है आपको, एकदम सिंपल सर्विस है, घर पे कर सकते हो, घर पे कर सकते हो आसानी से, और अपने 300 से 400 रुपए बचा सकते हो। इसके अंदर प्रेशर से पानी मारना है इन दोनों सुराखों में, ये दो सुराख है इसके अंदर प्रेशर से पानी मारना है आपको। ये देखिए इस तरीके से, इसमें देखो कितनी ज्यादा गंदगी है, इस तरीके से प्रेशर मारना। देखो इसीलिए मैं खुद ही कर, बिना प्रेशर मशीन के कितनी आसानी से सर्विस कर सकते हो, पूरा ऐसा क्लीन करके दिखाऊंगा, एकदम टच हो जाएगी ये मशीन। अभी देखना उसमें हार्पिक है, हम इसके अंदर डाल देंगे, कोई सा भी क्लीनर हो आप डाल दो। और थोड़ा सा आपको वेट करना है, सही तरीके से इस पर लगा देना पूरे पे फिल्टर वगैरह पे, जैसे मैं डाल रहा हूँ इस तरीके से। देखिए ये देखो इस तरीके से हार्पिक आपको डाल देना है, पूरा क्लीन हो जाएगा एकदम ये सिस्टम पूरा। इन देखो इन इस पॉइंट पे भी डालना है, यहाँ पे भी डाल देना, मतलब पूरे पे डाल दो ताकि मशीन की भी लगे भी कि हाँ सर्विस तो हुई है भैया, थोड़ी सी चमक जाएगी मशीन आपकी। इस तरीके से डाल दोगे पूरी मशीन आपकी एकदम क्लीन। टाइमर में पानी नहीं जाता, इतना टेंशन मत लेना, बट डायरेक्टली पानी मत डालना वहां पर, कभी आप डायरेक्ट डालोगे तो दिक्कत होगी। ऐसी चीज दिखा रहा हूँ, एक अकेला सिंगल आदमी ये वाली सर्विस कर सकता है इतनी आसानी से, जो हम आपको इस वीडियो में करके दिखा रहे हैं इस तरीके से। क्या क्या सावधानी बरतनी, इन चीजों का ध्यान रखना। आप टाइमर के ऊपर डायरेक्टली प्रेशर से पानी नहीं डालना है, वरना टाइमर, बहुत सारे भाई कहते हैं ऐसे भी सर्विस करोगे तो टाइमर खराब हो जाएगा, नहीं होता है, टेंशन मत लो, मैंने बहुत सारी करी है दोस्तों। आपको डायरेक्टली प्रेशर से पानी नहीं डालना है, टाइमर का डिजाइन ऐसा होता है कि डायरेक्टली और ऊपर से पानी गिरता है ना तो इसके अंदर नहीं जाता, आपको भी पाइप ठूस ठूस के इसके अंदर डालो तब वो अलग बात है, वरना इसके अंदर पाइप पानी नहीं जाता है डायरेक्टली इस तरीके से। पल्सिटर है, इसमें मिट्टी काफी ज्यादा होती है तो पहले इसको इस तरीके से पटकना होगा आपको इस तरीके से, टेंशन मत लेना, बहुत मजबूत होता है, टूटने वाला नहीं, टूटेगा नहीं, कभी आप सोचो पटकने से टूट जाएगा। निकला ना मिट्टी, ये देखो निकली ना, इस तरीके से आपको पटकना हल्का हल्का, फिर इस साइड भी पलटना है। अब आपको प्रेशर मारना है, इसमें डायरेक्टली हार्पिक नहीं डालना, कभी सोचो हार्पिक डाल, पहले एक बार जैसे हमने टब को वॉश करा था इसको भी वॉश करना है पहले एक बार, मिट्टी जो ऊपर ऊपर से बिना हार्पिक के निकलने वाली वो आपको निकाल देनी है। ये देखिए हमने इस तरीके से मिट्टी को निकाल दिया है, अब इधर थोड़ा सा देखो इसके अंदर मारना। देखो भैया ये देखो, और सर्विस से बचने का तरीका ये है, अगर ज्यादा दिन पे आपको सर्विस नहीं करा पा रहे हो तो क्या करो मैं आपको बताऊं, जब भी आप कपड़े धुलो अपनी मशीन के तो एक बार उसे वॉश कर दो, मतलब कि एक बार खाली पानी डाल के थोड़ा सा चला दो तो गंदगी सारी बह जाती है। ये देखो उसी तरीके से इस तरफ भी हमने पूरी कोशिश करी है गंदगी निकालने की जितना हो सकता था। ये देखो अंदर आपको हार्पिक डाल के छोड़ देना है थोड़ी देर। अब ये वाली जो मिट्टी है ना जो पटकने से नहीं निकली, ये हार्पिक से निकल जाएगी आपकी मिट्टी, तो इस तरीके से हार्पिक डालना होता है। डायरेक्ट हार्पिक डालोगे ऊपर ऊपर रहेगा फूली मिट्टी के ऊपर, फिर वो काम नहीं करेगा, अरे वो मिट्टी तो ऐसे भी हट जाती बिना हार्पिक की, जिसमें आपने हार्पिक से यूज करा है। ये देखो हट गया, अब आपको इसमें भी हार्पिक डालना है। कोई सा भी क्लीनर आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हो, वैसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो भी आप क्लीनर यूज करते हो अपने घर पर बाथरूम वगैरह धुलने के लिए, ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए बस, और एसिड नहीं होना चाहिए, मतलब तेजाब नहीं होना चाहिए। ये देखो हमने ये पूरा डाल दिया है इसके ऊपर, आप देख सकते हो।
आपको ऐसे इसे हर तरीके हर तरफ से घुमा देना है तो ये पूरा फैल जाएगा, जिधर जिधर फैलना है आपको इस साइड में भी डाल देना है ताकि ये ऊपर का हिस्सा भी थोड़ा आपका ये क्लीन लगने लगे। कि लगे तो सर्विस हुई है भाई, ये सब साफ होगा तब साफ सुथरी लगेगी आपकी मशीन। इसी तरीके से आपको सर्विस करनी जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इस पर पूरा पूरे पर रगड़ देना है इसको सही तरीके से और बस इसी तरीके से थोड़ी देर तक 10 मिनट तक आपको वेट करना है। उसके बाद अब इसको किसी ब्रश से क्लीन करना है, मेन काम यह है क्लीन करना है। एकदम सिंपल है, इतना मेहनत नहीं है। और ऐसा भी नहीं आप सोचो एकदम चमाचम चमका दो, इतना जरूरत भी नहीं है क्योंकि गंदा तो बाद में फिर होना है। जितना हो सके पूरी कोशिश करो कि अगर आपको कुछ ज्यादा ही डीप क्लीन करवाना है तो भैया आपको टेक्नीशियन को बुलाना पड़ेगा, वो प्रेशर मशीन से करेगा। प्रेशर मशीन से कैसे होता है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, हमारी वो वीडियो देखना हमने जिसमें प्रेशर मशीन से करके दिखाया है। या फिर आप कमेंट में बोलना तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा और इसी मशीन को दिखाऊंगा कि अगर हम दोबारा से प्रेशर मशीन से क्लीन करेंगे तो इसमें कितनी गंदगी बची हुई है जो कि हाथ से नहीं निकल पाती है। उसकी वीडियो चलिए मैं खुद ही बनाऊंगा, 4 से 5 दिन में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा या फिर जल्द से जल्दी कोशिश करूंगा वीडियो अपलोड करने की, जिसमें हम बताएंगे कि जो हाथ से क्लीन करते हैं इसमें कितनी ज्यादा गंदगी साफ हुई है और जो वैसे क्लीन करेंगे उसमें कितनी ज्यादा गंदगी साफ होती है। जितना क्लीन हो सकता था हमने यहाँ पे क्लीन कर दिया है और इसमें भी क्लीन करना है। फिल्टर वगैरह तो फूल गए, बस इसे पटक पटक के धुलना। ये देखो एकदम ना, मैंने क्या कहा था पानी पहले से डाल दोगे तो ये सब एकदम क्लीन हो जाएगा। तो ये देखो भैया, ये देखो ये हुए ना साफ। देखो हार्पिक डालने से ये होता है, ये पूरा क्लीन हो जाएगा, ये जितनी गंदगी है निकल जाएगी। और इसमें ड्रेन का सिस्टम में पानी बहुत स्लो निकल रहा है। चलिए अभी क्लीन होगा, धीरे धीरे क्लीन होगा क्योंकि इतनी ज्यादा गंदगी थी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मिट्टी है ये बहुत बुरी जमी हुई थी, ऐसे टाइट छूटेगी नहीं। इसे आपको पूरा सही से प्रेशर में अगर फुल वॉश करोगे तभी छूटने वाला है ये सिस्टम। ये देखो भाई दूर हटना थोड़ा सा। देखिए दोस्तों ड्रेन की प्रॉब्लम जरूर आपको चेक करनी है, एक बार ड्रेन वाला सिस्टम खोलना है। घर वाले भाई खोलेंगे तो ध्यान देना इस चीज का जो बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे यहाँ से धुल दो पानी डाल दो, मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है वो टेक्नीशियन के लिए। आपको पीछे से कुछ भी नहीं करना है, बट ड्रेन के में कचरा वगैरह देख लेना। अगर ड्रेन में ज्यादा छेड़खानी करोगे और ड्रेन सिस्टम सही सेट नहीं हुआ ना तो काफी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों को। तो ड्रेन में ज्यादा उंगल पाची नहीं करनी है अगर आप घर पे खुद से सर्विस कर रहे हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, खोल के दिखाता हूँ एक बार क्या करना है आपको। तो इसमें गंदगी होती है इसमें सिस्टम में, तो आपको क्या करना होता है पहले तो इस बेल्ट को निकाल देना होता है, इस वाली को इस तरीके से हमने निकाल दिया। फिर इसको आपको खोलना होता है। अब इसमें पानी है थोड़ा, मैं निकल जाने देता हूँ, पहले ड्रेन में पानी था थोड़ा। ये देखो गंदगी फंसी हुई थी, इसे खोलना ही खोलना पड़ेगा ताकि जो भी गंदगी है सही से निकल जाए। ये देखो हम अब इसको खोल देते हैं फटाफट। ये देखो इसीलिए खोल रहा था मैं, ये गंदगी ना निकलती। आप कितना भी पानी डालते हैं देखो ना, फंसा हुआ था ना कचरा। इस चीज को साफ करने के लिए अब आप क्या करो, इसमें बहुत ज्यादा गंदगी है देखो भैया, कीचड़ निकल रहा है। तो इसको साफ करने के लिए अगर आप करना चाहते हो तो कैसे करना है बताऊं आपको। देखो ये पाइप है, अगर आप पहले पाइप पानी में चलाना वरना ना मोटर पर चला जाएगा, आपको पाइप इसके अंदर डाल लेना है इस तरीके से। देखो जैसे मैं डाल के दिखा रहा हूँ इस तरीके से डाल लेना है। फिर स्लो पानी खोलना, इतने तेज मत खोलना पानी कि इधर से छींटे आए। ये देखो गंदगी निकल रही है ना, इसमें गंदगी थी देखो, ये गंदगी निकल रही। इस पर आपको इस तरीके से चोट मारनी, देखो तो इसमें जो मिट्टी जमी हुई ये सारी निकल जाएगी। ये देखिए ऊपर मारोगे तो पानी फटाफट ड्रेन होगा वैसे, और जो गंदगी अभी आप उसके बाद में ही टाइट करेंगे, थोड़ा सा सर्विस करने के बाद में उस सिस्टम को हम टाइट करेंगे। बहुत ज्यादा पानी इधर मत भरना वरना वहां से ओवरफ्लो हो जाएगा बैक साइड से और दिक्कत होगी फिर। ये देखो अब आपको यहाँ से ये पूरी मिट्टी वगैरह क्लीन कर लेना है जिसके अंदर कीचड़ निकलेगा। ये देखो इस पे मारो, ओहो ये देखिए कितनी गंदगी, कितना कीचड़ निकल। आपके ये फिल्टर होता है यहाँ पे, देखो ये देखो इसी तरीके से आपको थोड़ी देर तक पानी मारते जाना है जब तक ये गंदगी, ताकि अंदर से जितना हो सके उतना क्लीन, जितना आपके हाथ में उतना क्लीन तो कर ही सको। कुल मिला के इसका पल्सीटर लगाना है। पल्सीटर लगाने के लिए जितना था हमने पल्सीटर भी क्लीन कर दिया था, आपको दिखाया था मैंने, जितना हो सकता था उतना आप भी पूरी कोशिश करो, जितना हो सकता है कर दो। ये जैसे पल्सीटर में थोड़ा टब में लगा वैसे ये है, ये ना छूटने वाला मिट्टी।
तो जितना ना छूटने वाली है उसमें तो कोई बात नहीं, आपको करना ही पड़ेगा ऐसे, वरना प्रेशर मशीन से हार्टबीट डालो फिर प्रेशर मशीन मारो, एकदम क्लीन हो जाएगा डेली। ये देखो ऐसे रखा, अब आपको सिंपल इसमें इसके पेच को टाइट कर देना है। इसके पेच को मैं लगा देता हूँ, इसकी सर्विस हो चुकी है, बाहर का एरिया साफ नहीं हुआ, ये भी करके दिखाता हूँ अभी आपको। पानी बंद करना, वहां से इसको टाइट कर देना है। एक बार मशीन को फुल वॉश करेंगे और हमारी सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। एकदम सिंपल है, इस रबड़ को आप साफ कर लो, इसमें देखो जो गंदगी, इससे जब आप खोलो तो इसे क्लीन कर लो पहले। ये देखो हमने रबड़ को क्लीन कर लिया है, जो भी गंदगी थी इसमें साफ करना है, फिर आपको इस रबड़ को इसमें लगाना है, और जैसे कसी थी बस सेम उसी तरीके से इसको कस देना, इसमें कुछ ज्यादा तामझाम नहीं करना है आपको, एकदम सही से टाइट करना है। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको, ये सही टाइट हुई है नहीं हुई है कैसे पता करोगे आप, अभी बताता हूँ मैं आपको। ये कैसे चेक करोगे कि हमारी जो ड्रेन रबड़ है ये सही लगी हुई है, अभी मोटर वगैरह पे पानी नहीं जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। पहले इसको टाइट करता हूँ फिर बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए इसको हमने टाइट कर दिया, अब आपको क्या करना है, इस बेल्ट को लगा देना है इसके, फिर डायरेक्ट इस ढक्कन को नहीं टाइट करना, यहाँ पर दो एयर वाले सुराख होते हैं, आप पास से दिखाना, एक इस साइड में सुराख है एक इस साइड में सुराख है, जो हम ड्रेन करें तो यहाँ से पानी की छींटे बाहर नहीं आनी चाहिए, अगर यहाँ से पानी की छींटे आ रही है तो मतलब ये ड्रेन सिस्टम सही से नहीं लगाया, और ये प्रेस या पानी की छींटे मोटर पे जाएंगी, इस पे या इस पे, जब मशीन चलेगी वाइब्रेशन होगा और आपकी मोटर फूक जाएगी। तो इस चीज़ का इसे कैसे चेक करेंगे, इसमें मशीन में आपको उस टाइम पानी भरना होगा, तो आइए मशीन में पानी भरते हैं सबसे पहले और इस प्रॉब्लम को चेक करते हैं। अगर ये प्रॉब्लम सही है तो आपको पीछे से कुछ भी नहीं करना मशीन में, बस मशीन को पैक कर देना है। काफी भर चुका है, आइए ड्रेन करके आपको दिखाते हैं। ये देखो हम यहाँ से जब ड्रेन करें पानी को, देखो हमने ड्रेन करा है, यहाँ से एक भी छींटे नहीं निकल रही है, एक भी छींटे देखो अभी देखो नहीं आ रही, अगर प्रेशर से छींटे आ रही मतलब सही सिस्टम नहीं, सिस्टम ये एकदम सही सेट है। तो आपको क्या करना है, बस इसके पैनल को बैक साइड को, इसमें छेड़खानी कुछ भी नहीं करनी, मैं आपसे नहीं बोलूंगा ये करो वो करो, क्योंकि अभी कभी दिक्कत हो जाए मोटर वगैरह फूक जाए आपकी, तो अब बोलो भाई फिरोज भाई की वीडियो देखी थी हमने और ऐसा ऐसा हो गया, सर्विस कर रहा था देख के, इसीलिए जो तरीका है एकदम रियल प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, इस तरीके से करो, एकदम सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपके पेज जो थे आपको वो टाइट कर देने हैं, और पानी है इसके अंदर आप डालना आपको सर्फ, हमारे पास में ये डिटर्जेंट पाउडर है वो डाल देता हूँ मैं। ये देखो हमने ये डाल दिया है, अब आपको क्या करना है, इसको मिक्स करना है सही से, और एक कपड़ा लेना है, देखो हमने इसे मिक्स कर दिया सही तरीके से। ये जो स्कॉच आता है ग्रीन कलर का, इसको आपको ले लेना है, कपड़े से बेहतर इससे होगा, स्कॉच से एकदम बढ़िया सर्विस होगी। ये देखो हमने इसे करा, अब आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर रख लेना है, और अब आपको मशीन की धुलाई इस तरीके से शुरू कर देनी है। 5 मिनट लगेगा केवल पूरे मशीन पे ये मारने में, ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, कभी आप सोचो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा करूँ कि ना करूँ, आपकी मशीन में 4 चांद लग जाएंगे, एकदम चमक जाएगी, पुरानी मशीन भी नई लगने लगेगी, 10 साल पुरानी मशीन भी एकदम चमक के नई लगने लगेगी। इस वाले प्रोसेस में कुछ नहीं करना, इधर की सफाई कराने के लिए आपको टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ेगा, यह वैसे इसमें खुल जाता है, LG में सब मशीनों में ये चीज नहीं खुलती है। और इस टब को ऐसे क्लीन करना है, देखो जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरीके से, पूरा दिखाओ पूरा क्लीन करना है टब को इससे, ताकि आपका जो कपड़े सुखाते हो उसमें भी गंदगी ना फंसी रहे, वो कपड़े सूखने वाले कपड़े गंदे ना हो, सफेद कपड़ों में दाग आ जाता है बहुत बार, आपने देखा होगा ये प्रॉब्लम, तो आपकी मशीन में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सफेद कपड़ों में दाग आने लगे, ये होने लगा वो होने लगा, ये चीज नहीं आएगी आपकी मशीन। आपको सर्फ बोरते जाना है, दरवाजे को अंदर की साइड से भी धुल लेना, बाहर से तो धुलना ही धुलना, अंदर से धुलोगे तभी इसमें क्लियरिटी दिखेगी एकदम सही से। ये देखो इस तरीके से, ये हो गया, पैनल को धुल लेना है फटाफट, ऊपर वाले पैनल को, ये देखो ये साफ हो गया हमारा पैनल भी। अब आपको एक टब के अंदर का हिस्सा धुलना है, ये वाला,
ये पूरा क्लीन करना है आपको सही तरीके से, हर तरफ से जितनी गंदगी जितना हो सकता है हाथ से आप कर सकते हो उतना क्लीन करना है आपको। ये पड़ेगा कितनी और गंदगी निकलेगी, वैसे आप हाथ से भी चाहो तो कर सकते हो, प्रेशर मशीन इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है, हम पे वो भी है, लेकिन हमने सोचा आप उन भाई के लिए वीडियो बनाएं जो घर पे अपनी मशीन बनाना चाहते हैं, रिपेयर करना चाहते हैं, जिन पे प्रेशर मशीन नहीं है और मशीन को नहीं जैसा चमकाना चाहते हैं। ये सब आपको सही तरीके से धुलना है, इधर से दिखाना है, पीछे की साइड में इतना ध्यान मत देना, हल्की फुल्की गंदी भी रह जाए तो चलेगी, क्योंकि उधर से मोटर वगैरह पे पानी जाने का डर रहता है। अगर आप घर पे खुद से कर रहे हो तब की बता रहा हूं मैं। हर तरफ मशीन को धुल लेना इसी तरीके से, ये देखो अब बचा साइडे, साइडे भी आपको जैसे मैंने इधर धुली है वैसे साइडे भी धुलनी है। ये साइड धुल दी हमने, दूसरी साइड भी इसी तरीके से धुलनी है, इस साइड भी। अब भर ले बारो ज्यादा ही बात धोए गई, अब पानी आवा तो वही धोई ले। ये देखिए क्या करना है, नॉर्मली से वॉश कर देना है पूरी मशीन को, बैक साइड पे धुलने पे ध्यान नहीं देना है, ड्रेन पाइप को धुल लेना है इसके, आपने सर्फ मारा था फटाफट से धुल लेना, और अब आपकी मशीन समझ लो सर्विस हो गई है। देखो पूरा ब्लॉक है फिल्टर इसका, ये लग जाएगा, जैसे कि पहले इधर का लॉक लगाता हूं मैं, फिर इधर का लग गया। वैसे अगर फिल्टर पास की दुकान पे कहीं मिलता है बहुत ज्यादा गंदा हो गया क्लीन नहीं हो पा रहा है, तो आप नया भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खाएंगे आप बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।